हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम मॉर्निंग के अभी आठ बज रहे हैं और आठ बजे का मौसम देख सकते हैं अभी कैसा मौसम है देख के लग ही नहीं रहा है कि आठ बज रहे हैं और इधर मैं आ चुकी हूँ तो अभी चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है और मिलते हैं आप सब से थोड़ी देर के बाद तो बने रहिए आप लोग आज जो है सुबह सुबह ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग कर दी है और आगे देखती हूँ क्या क्या सूट कर पाती हूँ ठीक है तो इधर देखिए ये जो आ, मतलब खेत है ना जहाँ पे हमने फार्म बनाया हुआ है तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे जो है सरसों लगाए हैं तो वो निकल गए हैं अभी थोड़ा सा और बड़े हो जाए उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे तो बने रहिए एकदम लास्ट तक न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिए लाइक like, और चलिए फिर देखते हैं क्या हो रहा है तो मैं आ चुकी हूँ सफाई के लिए और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि मेरा जो है यहाँ पे भी मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि उन लोगों को खाना पानी देने के अलावा भी मॉर्निंग में बहुत सारे जैसे साफ़ सफाई या सब आंगन का तो ये आंगन मैंने खुद ही जो है इसको अच्छे से तैयार किया है क्योंकि जहाँ पे भी इंसान रहो इंसान मतलब कुछ भी रहे तो यहाँ पे मुर्गी रहते हैं तो मुर्गी के साथ इंसान भी रहते हैं अगर थोड़ी सी सफाई रहेगी अच्छे से तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा सब लोग आते हैं बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है साफ सफाई रहने से और आ, मतलब कि ये सब एक आदत होती है ना कि हम जहाँ भी रहते हैं ना जिनको जो है गंदगी में रहने की आदत होती है वो हमेशा अच्छे वाले घर को भी गंदा करके रखते हैं लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगता है ना तो वो हर जगह जहाँ भी रहे वो आ, अपना छोटा सा ही घर क्यों ना हो लेकिन वो उसे अपने अपने मतलब साफ सफाई से इतना खूबसूरत एकदम स्वर्ग बना लेती हैं तो यहाँ पर बस एक चूल्हा मैंने लगा दिया है यहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ बनता है जैसे कि रोज़ तो मुर्गियों के लिए जो चावल बनता है वो तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ही तो वो आज मैंने सोचा है कि आज मैं वही आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं उन लोगों को बना के देती हूँ तो अभी उनको अभी जो है चूल्हे को साफ कर रही हूँ और देखिए ये नेक्स्ट डे जब बना था ना तो वो वाला चूल्हे का जो राख है वो था तो अभी मैं अच्छे से चूल्हे को लेप लगा रही हूँ और ये सफ़ेद वाला मिट्टी है जिससे कि हम लोग चूल्हा पोताई करते हैं तो यहाँ पे मैंने गोबर ले लिया है और गोबर ना बहुत ही शुद्ध माना जाता है हमारे यहाँ तो हमारे ही यहाँ नहीं हर जगह पे गोबर बहुत शुद्ध माना जाता है जब भी कोई पूजा वगैरह कुछ भी हो तो जब तक गोबर से लिपाई ना होना तब तक घर पवित्र नहीं होता है तो यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ थोड़ा सा साफ सफ़ाई और ये चूल्हे के थोड़ी दूर दूर तक मैं दे देती हूँ ताकि इनके आसपास जो बनाते हैं ना तो थोड़ी सी जो गंदगी होती है जो चूल्हे का जो राख होता है वो फैल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है तो इस वजह से मैं थोड़ा दूर तक गोबर से लिपाई कर देती हूँ चूल्हे के पास जितनी साफ़ सफाई होना उतना ही अच्छा है क्योंकि चूल्हा एक तरीके से कहा जाए तो मतलब हमारे जो सुबह से ले अगर चूल्हे को सफाई नहीं रखोगे तो पेट पूजा कैसे होगी ना तो ठीक इसीलिए मतलब चूल्हा हमारे यहाँ रोज़ ही अच्छे से उसको लीपा जाता है तो यहाँ पे मैं आ, इस वाले जो डेगची है ना इसी पे मैं मुर्गियों के लिए चावल बनाती हूँ तो इसको मैं रोज़ भी रोज़ नहीं धोती हूँ जैसे कि बाहर का मैंने मिट्टी से उसको लेप लगा दिया है ताकि जो वो न, काला हो जाता है ना लकड़ियों की आग से तो वो छूट जाती है जैसे ही पानी में डालोगे तो वो अच्छे से निकल जाती है तो मैं अंदर अच्छे से सफाई कर देती हूँ और दो तीन बार इसी डेक्ची में बना लेती हूँ उसके बाद फिर इसको ले जा अच्छे से साफ़ करती हूँ फिर दो तीन बार बनाती हूँ ऐसा करती हूँ मैं तो अभी जा रही हूँ कुआँ पानी लेने के लिए और कुएँ से पानी लाऊँगी और क्योंकि ना मतलब पानी थोड़ा दूर से लाना होता है पानी पास में नहीं है पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे लेकिन आगे पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे वो हमने अभी सोचा नहीं है बस अभी छोटी सी शुरुआत की है देखिए ये शुरुआत कहाँ तक हमें ले के जाती है मेहनत तो बहुत कर रहे हैं अब ऊपर वाले का जो भी ये होगा हमें मंजूर होगा है ना क्योंकि हमारे हाथ में जितना होता है उतना तो हम लोग कर ही लेते हैं उससे ज़्यादा और कर भी क्या सकते हैं तो बस अभी जो है मैं आग जला लूँगी क्योंकि पानी मैंने इसमें भर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा गोबर अभी सूखा नहीं है ना अभी अभी तुरंत ही डाला तो थोड़ा सा गीला गीला ज़मीन है तो जाने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है क्योंकि वो जिधर से भी जाओ ना फिर वो उस जगह पे ना अजीब सा निशान जैसा बन जाता है तो ये हमने कुछ सूखे पत्ते पत्ते जो हैं ये ताल मतलब तार के हैं तार वाली एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था उस वीडियो को तो उसी का पत्ता है तार को ना हर तरीके से यूज किया जाता है उसके पेड़ को भी उसके फल को भी उसके जो पत्ते होते हैं उसको भी उसकी जो डंठल होती है उसको भी तो देखिए अभी पानी में मैं डाल रही हूँ नमक नमक हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा मतलब स्वाद के अनुसार डालते हैं ताकि उन लोगों को भी खाने में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगे तभी तो वो लोग खुशी से खाएँगे तो और इसमें मैं हल्दी थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि हल्दी से जो है न, उनको थोड़ा सा हल्दी से मतलब जितने भी आ, कहते हैं कि हल्दी बहुत ही अच्छा होता है एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है तो इस वजह से मैं हल्दी डाल देती हूँ और जब मैंने चावल डाला था ना तो वो वाली मुझसे ये हो गई मतलब नहीं क्लिप जो है वो पता नहीं छूट गई तो बस देखिए अभी ये बन चुका है और इसे ना एक तरह से आप मुर्गियों के लिए बिरयानी कह सकते हो पर इसमें मैंने वैसा कुछ नहीं डाला बस हल्दी डाला है इस वजह से इसका कलर वैसा हो गया है तो अभी ये बन चुका है तो अभी इसका जो माड़ है उसको मैं निकाल लेती हूँ और बहुत भारी है ना तो थोड़ा सा मतलब मुझे भी दिक्कत होती है बहुत डर लगता है क्योंकि इतना सारा एक साथ कर पहले नहीं करती थी ना इस वजह से लेकिन कोई बात नहीं धीरे धीरे आदत हो ही जाती है हाँ, हर चीज़ की हम कभी ना कभी शुरुआत तो करते ही हैं तो बस इसका जो माड़ है उसको मैंने एक बाल्टी में निकाल लिया है क्योंकि अभी पे अभी ना यहाँ पे सारे व्यवस्था नहीं है इस वजह से तो माड़ को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ मैं बाल्टी में इसलिए लेती हूँ क्योंकि हमारे घर में गाय है तो हम गाय को ले जा के दे देते हैं और जो चावल है उनको अभी मैं यहाँ पर बोरी है उसमें उसको पलट दूँगी और थोड़ा सा जो है इसको ठंडा कर लूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और अभी ठंडा का मौसम है तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा भी ठंडा नहीं करूँगी बस थोड़ा सा ही कि ये अच्छे से वो लोग खा पाएँ तो इसका जो गर्म गर्म भाप है ना उसको मैं निकाल दे रही हूँ तो ये हमारा बन हो चुका है रेडी कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बाय